हेलो टू ऑल ऑफ यू। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है हमारा बीयर लैम्बर्ट लॉ। बीयर लैम्बर्ट लॉ जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में। वहां पे हमारे पास एक चैप्टर आएगा फोटो केमिस्ट्री, वहां पे हम इसे डिटेल में करेंगे। अभी हमें सिर्फ इसका एक प्रिंसिपल बताना है, इसकी स्टेटमेंट बतानी है और इससे रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है और वो केमिकल सब्सटेंस जो है वो एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जब मैं कोई रेडिएशन पास करवाऊंगा तो फिर से हमारा जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन थी और यहाँ पे फिर हमारे पास हमारी एमिटेड रेडिएशन जो है वो आ जाती है। अब बीयर लैम्बर्ट लॉ हमें ये बताता है कि हमारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, इस एब्सॉर्प्शन की टेंडेंसी किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, जो हमारी एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। हमारे गिवन सैंपल के अंदर या हमारे गिवन केमिकल सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, उतनी ज्यादा वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी रेडिएशन की। फॉर एग्जाम्पल, मैं केमिकल सब्सटेंस ले रहा हूं, कोई केमिकल सब्सटेंस है एक्स, इसके 100 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, उनमें से रेडिएशन पास करवा रहा हूं, फिर उसी सेम कंपाउंड को मैं दोबारा ले रहा हूं लेकिन इस बार 1000 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो ऊपर वाले में मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, नीचे वाले में मैंने 1000 मॉलिक्यूल लिए। जब मैं सेम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को पास करवाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि जहां पे 1000 मॉलिक्यूल थे वहां पे जो रेडिएशंस है वो ज्यादा अमाउंट में एब्सॉर्ब हुई एज कम्पेयर टू अबव एग्जाम्पल जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम थे, यानी कि हमारे पास वहां पे जो एब्सॉर्प्शन है वो कम होगी। तो यहां पे हमें बीयर लैम्बर्ट लॉ के अंदर हमें यही बताना होता है कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है, हमारे जो सॉल्यूशन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है। तो हमने ये पढ़ा रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट, या मैं बेटर बोलूं तो रेशियो ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन As well as length of the solution. हमारे solution की concentration पे और हमारे solution की length पे dependent है कि कितनी intensity जो है वो absorb होगी हमारी incident radiation की। इसी law को हम बोलते हैं Beard-Lambert law combined form में। आप पढ़ोगे next class में कि Beard's law अलग होता है, Lambert's law अलग होता है, और वैसे आपने इन laws के बारे में सुन रखा होगा जब हमने third semester में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास हमारा बीयर लैम्बर्ट लॉ आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ गया, प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आता है एप्साइलन, कंसंट्रेशन के लिए सी यूज कर लिया और लेंथ के लिए एल यूज कर लिया। तो ये हमारे पास हमारे बीयर लैम्बर्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। यहाँ पे जो हमारे पास आई नॉट है, I naught होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट ली थी उसकी जो इंटेंसिटी है वो I naught मानते हैं। I हमारे पास होती है इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जब हमने इंसिडेंट रेडिएशन को पास करवाया थोड़ी सी इंटेंसिटी हमारे केमिकल सब्सटेंस ने एब्सॉर्ब कर ली और जो एमिटेड रेडिएशन थी उसकी जो इंटेंसिटी है वो हम I मान के चलते हैं। C है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या सैंपल, जो भी आप बोलो, C कंसंट्रेशन है और आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी वाले फैक्टर के जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज्यादा वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो उतनी ज्यादा रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगे, तो हमारे पास उतनी ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब होंगी, मतलब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो उतना अच्छा बनेगा। इसी के साथ साथ जो हमारा इंटेंसिटी वाला फैक्टर है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। एल जो है वो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। लेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो आप अपना सॉल्यूशन ले रहे हो वो आप कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहे हो, छोटे साइज के टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहे हो
या बड़े साइज के टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहे हो, क्योंकि अगर आप छोटे साइज के टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हो तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम आएंगे, जिससे एब्जॉर्प्शन कम होगी। जैसे जैसे आपके सॉल्यूशन की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा आएंगे और आपकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। लास्ट फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे एप्साइलन का फैक्टर, जिसे हम यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ जो है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमें वैल्यू मिलती है इसकी 10^4 के आसपास, तो वो हमारी होती है हाई इंटेंसिटी ट्रांजिशंस, और अगर हमें वैल्यू मिलती है 10^3 के आसपास की तो वो हमारी होती है लो इंटेंसिटी ट्रांजिशंस। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देख के एप्सिलॉन की वैल्यू ये बता सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी हमारे स्पेक्ट्रम में या कम होगी। तो ये हमारे पास हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है। इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। अगर हमारे सॉल्यूशन में किसी टाइप की कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ मिक्सिंग ना शो करके रिएक्शन शो कर दें, और रिएक्शन शो करने की वजह से हमारा सब्सटेंस एसोसिएशन या डिसोसिएशन में चला जाए, तब बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो काम नहीं करता। इसके अलावा जब हमारे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के साथ या सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे तब भी हमारा ये वाला लॉ जो है ये काम नहीं करता। अगर हमारे केमिकल सब्सटेंस के अंदर कुछ फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तब भी ये लॉ जो है वो काम नहीं करता। फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके इंस्टेंटली उसको एमिट कर देती हैं। तो अगर उसको एब्जॉर्ब करके इंस्टेंटली एमिट ही कर देंगे तो फिर वो एनर्जी तो हमारे केमिकल सब्सटेंस के पास रही नहीं, मतलब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब तो हुई नहीं, तो फिर वहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ वहां पे सही कैलकुलेशन नहीं देगा। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है हमारे इस यूनिट का, जो है टर्म सिंबल का टॉपिक, और वो डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। टर्म सिंबल्स हमें दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ने हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन में से एक कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जाम में पक्का मिलती है 2 या 3 मार्क्स में। तो टर्म सिंबल का टॉपिक फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।